हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं भाई को लेके जा रहा हूँ इनका पास बनवाने के लिए। बस पास जो ट्रांसपोर्टेंस कार्ड है, जो मतलब कि बस में, मेट्रो में, सारी जगह चलता है, मार्गों में भी, मतलब सिप में। तो अब हम निकल चुके हैं घर से और हम खड़े हैं इस टाइम बस स्टॉप पे, ठीक है। तो अब देखते हैं, बस आने का टाइम था बट लेट हो रखी है मे बी, तो देखते हैं किस टाइम तक आएगी। तो अब आपको मिलते हैं अपना बस में बैठने के बाद, और अपना जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे आपको। तो भाई तब पहुंच चुके हैं अपना बारको स्टेशन पे, स्टेशन पे। तो अब यहाँ से चलते हैं अपना लिस्बन, ठीक है। मिलते हैं आपको फिर बैठने के बाद। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपना सिप स्टेशन पे, बारको स्टेशन पे, और हम यहाँ से जाएंगे सिप में बैठ के। देखते हैं कैश दो सोधरे या मार्कस देखो माल कहाँ जाएंगे। तो जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे आपको। तो गाइस अपन बैठ चुके हैं अपना सीट में और निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको। कहाँ जाना है, सोत्रे या मार्कस कुंभाल? तो निकल चुके हैं यहाँ से ब्रारो से, तो मिलते हैं आपको सीधा समुद्र के उस पार पहुँच के। तो गाइस सीट में उतरने के बाद अब हम जा रहे हैं अपना मेट्रो की तरफ। यहाँ से हम जाएंगे पहले बैक्सो छियादो, उसके बाद कैस दो सोद्रे। तो दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं इस टाइम बैक्सो छियादो, ठीक है। और अभी भी यहाँ से जाएंगे कैस दो सोद्रे। तो मिलते हैं आपको ट्रेन में बैठने के बाद, दिखाते हैं आपको सफ़र, और फिर मिलते हैं आपको कैस दो सोद्रे। वहाँ पर देखते हैं पास इनका अप्लाई करवाते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इस टाइम कैस दो सोद्रे, और अब हम जा रहे हैं आगे अपना जहाँ पे बस वस बन, आगे आगे जा रहे हैं भाई। तो मिलते हैं आपको अपना टिकट काउंटर पे जाके। ये पूरा अंदर से मेट्रो स्टेशन ही है, और हमने करवानी पहले इनकी फ़ोटोज़ जो उन्होंने पास के लिए देनी है। तो यहाँ से करवाएंगे फ़ोटोज़। तो मिलते हैं आपको, पहले फ़ोटोज़ करवा लेते हैं इनकी। गाइस फोटो ली है, ये 3 यूरो की 16 फोटो है, आप लोग देख भी सकते हो, 3 यूरो की 16 फोटो है। तो अभी देखते हैं ये चलेंगी नहीं चलेंगी, नहीं फिर देखते हैं क्या रहेगा। तो अभी जा रहे हैं हम नीचे उनकी, तो उनके पास ही टिकट काउंटर के पास जहाँ पास बनता है, तो देखते हैं हम। तो भाई सारा काम होने के बाद भाई का नंबर भी आ गया, और मैंने कुछ लोगों की मदद भी की है, नेपाल के थे, बांग्लादेश के थे। तो देखते आपने वीडियो में देखा ही था, नेपाल की वक्त एक लेडीज़ थी, उसकी वीडियो नहीं बना पाए, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपना घर की तरफ, टाइम भी हो चुका है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा घर की तरफ। बाकी किसी ने अगर पास बनवाना है कि पास कैसे बनता है, उसमें नॉलेज के लिए, ठीक है ना, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, टाइम कितना लगता है, और कहाँ से बनवाने में फ़ायदा है, कहाँ पे जल्दी मिलता है, तो कुछ भी जानने के लिए कमेंट कर लेना, पता कर लेना, ठीक है। तो अभी मिलते हैं आपको सीधा घर पे। तो गाइस फिलहाल हम अपना पहुँच चुके हैं अपना बागो स्टेशन पे, उसमें बैठे हैं भाई। बाकी जो आज एक भाई की छुट्टी है, और एक अपने साथी अभी आए हुए हैं, ठीक है, 50 वाले सूर्य और गैरी, दोनों भाई की छुट्टी है आज, मतलब गैरी की। तो अभी हमने उनको कॉल की थी क्योंकि उनकी छुट्टी थी, तो वो कह रहे कि वहीं रुक जाओ, बड़कों भी हम ही वेट कर रहे हैं फिलहाल,
क्योंकि अभी हम वहाँ जाएंगे गुरुद्वारा में, ठीक है, हम चारों जाएंगे साथ में गुरुद्वारा में। हेलो फ्रेंड्स, हम बाको में जा रहे हैं। तो भाई सीट में से उतर के अब हम यहाँ से जाएंगे मेट्रो में और फिर हम जाएंगे यहाँ से सीधा गुरुद्वारे, तो मिलते हैं आपको सीधा गुरुद्वारे में। तो गाइस हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे अंदर, तो अब चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको मेट्रो में बैठने के बाद। तो गाइस मेट्रो में से निकल गए, अब हम आ चुके हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। फिर किधर जाऊंगा? फ्रीपोर्ट चला, फ्रीपोर्ट चली। तो गाइस गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के बाद अब हम ले रहे हैं थोड़ा सा लंगर, मतलब चाय का प्रसाद। तो गाइस गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के बाद अब हम तीनों तो जा रहे हैं यहाँ से ओरिएंट मॉल और वो आएंगे बाद में। तो गाइस हम तो निकल चुके हैं अदी वैलेस से तीनों जने ओरिएंट मॉल की तरफ, वास्को द गामा मॉल की तरफ। बाकी वो साहिल और सूर्या भाई थोड़ी लेट आएंगे, वो कहीं काम गए हैं, तो वहीं मिलते हैं वो भी। तो गाइस गाड़ी में से उतर के अब हम जा रहे हैं अंदर मॉल में वास्को द गामा, और आज में भी हम सारे भाई इकट्ठे होंगे बहुत टाइम बाद, मतलब तो पहली बार ही होंगे, तो देखते हैं अब आज क्या करते हैं, कैसे इन्जॉय करेंगे। तो आज जब वो आएंगे, अभी तो दो बंदे काम से आ रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो मिलवाते हैं आपसे। गाइस अब हम आ चुके हैं अपना पिज्जा हट में और अब करते हैं वेट पिज्जा आने की। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो आ चुकी है बट अभी पिज्जा नहीं आया, तो चलते हैं यहाँ से पिज्जा पिज्जा खाने के बाद। तो गाइस सालू और सूर्य भाई भी आ चुके हैं और नकल वगैरह बड़े हुए अंदर कुछ सामान देख रहे हैं, तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ घूम फिर लेते हैं, फिर उसके बाद करण भी आएगा यहीं पे, फिर उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से फ्रीपोर्ट, तो वहाँ भी लेके चलेंगे आपको, वहाँ भी ये जैसे मॉल है वैसे ही मॉल है वहाँ भी। तो गाइस अब हम बैठ चुके हैं यहाँ से बस में ओरिएंट से, अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा फ्रीपोर्ट, तो करनी बैठ चुके हैं हमारे साथ, तो मिलते हैं आपको सीधा फ्रीपोर्ट पहुँच के। तो गाइस इस ये व्यू को देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे हम फ्लाइट में बैठ के जहाज में बैठ के ऊपर उठ के जा रहे हैं, बट हम बस में हैं। ये वो 17 किलोमीटर वाला जो पुल है वास्को द गामा, वो पुल है। तो चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको सीधा फ्रीपोर्ट पहुँच के।
तो गाइस फ्रीपोर्ट आ गए हम। हर जगह पता भी नहीं लग रहा हमारा काका हो रहा है। वापसी की बस है, वापसी की बस है। चलने का करना क्या कर रहा है? हम उनका चले Thank you, Rajapur. तो गाइस यहाँ से साहिल ने लिया अभी एक वर्ड शर्ट, एक मतलब कि काम वगैरह को डालने के लिए, जो कि आई है 6 यूरो की। फिर तो हम बैठ चुके हैं बस में और अब मिलते हैं सीधा घर पहुँच के। तो गाइस बस में से उतर के अब हम आ चुके हैं अपना घर की तरफ और अब जा रहे हैं यहाँ से घर पे। तो अब घर जाके देखते हैं, बनाते हैं कुछ और करते हैं फिर उसके बाद रेस्ट। तो मिलते हैं आपको अगले किसी शानदार वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।